जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड पीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर सेकंड वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर फोर्थ तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? फिफ्थ होगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र घन घनमूल क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से सीखेंगे और पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में भी दोस्तों आप अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में अब दोस्तों डिफिनेशन भी पूछी जाती है, इसलिए परिभाषाओं को भी दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है। कौन सी परिभाषाएं पूछी जा सकती है ये तो नहीं पता है, बस सभी परिभाषाओं को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आप को टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा और परिभाषा यदि आपके एग्जाम में आ गई तो वो भी दोस्तों काम में आएगी। इसलिए बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा। अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे दोस्तों आप इसके अंतर्गत जाएंगे तो आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले दोस्तों डाली घन क्यूब। क्यूब क्या होता है ध्यान समझिए, जब किसी संख्या को दोस्तों उसी संख्या से तीन बार गुणा करते हैं जो प्राप्त गुणनफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ध्यान से दोस्तों लिखिएगा, किसी संख्या को, और फिर अभी आप फिर से समझाऊंगा, किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर, किसी संख्या को स्वयं से यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कह रहा है? किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। प्राप्त गुणनफल घन उस संख्या का घन कहलाता है। प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। घन कहलाता है। समझ पा रहे कुछ नहीं? क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर, कोई जो संख्या उसको ही तीन बार आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। उदाहरण से समझिएगा तो बात क्लियर होगी। उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण दोस्तों आपसे कह रहा है, जैसे कहे दो का घन। दोस्तों दो का घन कहने का मतलब, चाहे हम हिंदी में इसको दो का घन लिखें चाहे इसे लिखें दो की पावर तीन, क्या दो की पावर तीन लिखा होगा, घन का मतलब तीन, दो की पावर तीन लिखा होगा, इसका भी मतलब क्या है? दो का क्यूब। इसको क्या पढ़ेंगे? दो का क्यूब या दो का घन। ठीक, जैसे ये लिख दिया आप दोस्तों, दो का क्यूब मतलब क्या है? दो को तीन बार मल्टीप्लाई करें, दो गुणे दो। देखिए तो दो दूना चार दूना आठ, कितना है दोस्तों? आठ। दो को जब हमने तीन बार मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों हमें आठ प्राप्त हुआ जाके, समझते रहिएगा। तो कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर, संख्या दोस्तों कौन सी? दो। इसको ही आपस में तीन बार गुणा कर दिया, दो गुणे दो। किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करें तो जो संख्या उसी को तीन बार आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो तीन बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, तो क्या प्राप्त हुआ गुणनफल दोस्तों? आठ। प्राप्त गुणनफल उस संख्या, कौन सी संख्या दोस्तों? दो। उस संख्या का प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। प्राप्त गुणनफल उस संख्या, कौन सा? दो का घन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे दोस्तों आपसे कह दे -5 का घन।
तो माइनस पांच का घन दोस्तों इसको क्या लिखेंगे ऐसे, तो कितना लिखेंगे दोस्तों माइनस फाइव का क्यूब। बात यही हुई, आप ध्यान समझिएगा, यहां पर भी बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव और इंटू माइनस फाइव। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव। अब देखिए आपको पता है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस, और पचम पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस होता है। यानी दोस्तों ध्यान समझिए, क्या जो ऋणात्मक संख्या का यदि हम घन करेंगे तो हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या यदि हम ऋणात्मक संख्या का, ऋणात्मक संख्या क्या, पाँच, यदि पाँच हो, माइनस का सात हो, माइनस का दो हो, माइनस का तीन, कोई भी संख्या हो, यदि कोई ऋणात्मक संख्या उसका यदि हम घन करेंगे तो हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे लिखा हो दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हो रूट तीन का घन बताइए, तो रूट तीन का दोस्तों हमें घन बताना, तो बहुत ध्यान समझिएगा क्या बताना है, रूट तीन का घन। तो दोस्तों रूट तीन का घन मतलब क्या है, रूट थ्री और इसकी पावर थ्री। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या हो गया, रूट थ्री को थ्री बार लिखना, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। आप जानते हैं कि रूट थ्री की मल्टीप्लाई जब हम रूट थ्री से करते हैं दोस्तों हमें क्या थ्री ही प्राप्त होगा। ये मैंने आपको क्या जब वर सिखाया है, जब वर की डिफिनेशन बताई वहां मैंने बताया भी है, चर्चा भी किया है कि कैसे होता, मैंने इस पर चर्चा भी की। तो आप जानते नहीं पता हो तो आप क्या इस चैप्टर का लेक्चर पहला देखिएगा, उसमें मैंने विधवा से चर्चा की वो होता कैसे। तो रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करेंगे तो हमें थ्री प्राप्त होता है, और लास्ट में क्या चलेगा रूट थ्री, तो यानी कि कितना आएगा रूट थ्री का क्यूब दोस्तों आएगा थ्री और रूट थ्री। ठीक है, ये इंटू में है थ्री रूट थ्री। ठीक है, कितना आया देखिए थ्री, ये इंटू में है, या चाहो तो इंटू लगा लो, थ्री रूट थ्री ही आएगा। कितना आया देखिए, तो रूट थ्री का दोस्तों घन कितना आएगा, थ्री रूट थ्री आ गया। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? ऐसे कोई परिमेय संख्या जैसे मैं लिख दूं, वैसे तो ये क्या परिमेय संख्या दोस्तों, देखो जैसे लिखता हूं पी अपान क्यू वाली, तीन बटे चार, तीन बटे चार का घन दोस्तों, ये तीन बटे चार का घन आपसे कह रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा, तीन बटे चार का घन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तीन बटे चार का घन, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, यानी कि इसको क्या करेंगे, तीन बटे चार को तीन बार लिखेंगे, तो तीन बटे चार गुड़े तीन बटे चार गुड़े तीन बटे चार। अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे कर लें, तो तीन तीन नौ त्रिक सत्ताईस होगा, कितना होगा सत्ताईस, और बटे चार चक्को सोलह और सोलह चक्को चौंसठ होगा, सत्ताईस बटे चौंसठ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कर रहा है, अब कोई भी इसमें समझिए डिफिनेशन ये समझना चाहते हैं तो कहा था किसी संख्या को स्वयं से तीन बार, यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार मल्टीप्लाई करें, तो किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करें, तो मैंने जो भी संख्या इधर ली है सभी को देखिए तीन बार मल्टीप्लाई किया, सभी को देखिए तीन ही बार मल्टीप्लाई किया, कोई भी संख्या लीजिए तीन बार मल्टीप्लाई करें, तीन बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, देखिए इधर जो ब्लैक से लिखा है सारा क्या हमारे गुणनफल प्राप्त हुआ, प्राप्त गुणनफल उस संख्या, जो संख्या मैंने ली है, जो संख्या ली उसका घन क्या कहलाती है, उसका घन कहलाती है क्या, सत्ताईस बटे चौंसठ है ये तीन बटे चार का घन है, कह रहा प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, क्या प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है, घन कहलाता है, यानी कि रूट थ्री का घन ये है। क्लियर होगा कि नहीं बात, क्लियर होगी? तो मुझे उम्मीद है कि आप क्यूब क्या होता है वो आप अच्छे से जान पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, अगली रीति दोस्तों डाल लीजिएगा घनमूल, क्यूब रूट क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा, अगली रीति क्या, क्यूब रूट, इसको रख कर दो। चलिए दोस्तों यदि हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। तो दोस्तों लिखिएगा ध्यान से,
किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर, ये लिखना है फिर से इसमें, किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, तीन बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे उसे उस संख्या का उसे उस संख्या का अभी लिख लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ, उसे उस संख्या का घनमूल कहते हैं, उसे उस संख्या का घनमूल क्यूब रूट कहते हैं, घनमूल कहते हैं कहते हैं। कह रहा किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करें, अब गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे उस संख्या का घनमूल कहते हैं। उदाहरण से समझिए तो बात क्लियर होगी। देखिए उदाहरण जैसे दोस्तों आपसे कह रहा है, पहला उदाहरण दोस्तों ले लेते हैं, जैसे कह रहे हैं आपसे चौसठ, चौसठ का घनमूल क्या, चौसठ का घनमूल क्या कह रहा है आपसे, चौसठ का हमें 64 का घनमूल चाहिए, तो घनमूल का कहीं और किस तरीके से लिखते हैं घनमूल को दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं घन, ये तो स्क्वायर रूट हो गया, अब चौसठ का तो चौसठ लिख लेंगे और दोस्तों इस तीन को यहां पर लगा लेते हैं, ठीक है, ये हमारा घनमूल लिखने का तरीका होगा। तो क्या क्यूब, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, और जैसे यही लिखा होता है ऐसे ऐसे लिख देते हैं ऐसे, तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। जब दोस्तों यहीं पर क्या, जैसे चौंसठ लिखा है और चौंसठ लिखा है, जैसे यहीं पर दोस्तों हमने क्या तीन लगा दिया, इसका मतलब क्या कह रहा, क्यूब रूट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्यूब रूट की बात कर रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, अब ध्यान समझिएगा। अब क्यूब रूट दोस्तों हमारा चौंसठ होगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है घनमूल करना है, तो चौंसठ का दोस्तों घनमूल कर रहा है किसी संख्या, कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए तो क्या करेंगे, चौंसठ को, चौंसठ है, किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर, किसी संख्या को स्वयं से तीन बार, चौंसठ का हमें घनमूल चाहिए, तो देखिए क्या इसको क्या करेंगे, चौंसठ को चार गुणे चार गुणे चार, इसका क्या चाहिए हमें, घनमूल चाहिए, क्यूब रूट। देखिए इसमें से जब यहाँ तीन लिखा होगा तो यहाँ तीन का पेयर बनाते हैं, जब यहाँ दो लिखा होता तो यहाँ दो का पेयर बनाते हैं, जब यहाँ चार लिखा होता तो यहाँ चार का पेयर बनाते हैं। अब देखिए इसमें से दोस्तों हमारा क्या चार बाहर आ जाएगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे दोस्तों आपसे चौंसठ का घनमूल पूछा है, तो कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा कर दें, ऐसी कौन सी संख्या, चौंसठ का पूछा तो मैंने चार को तीन बार आपस में गुणा किया और गुणा करने पर देखिए मैं चार ही प्राप्त हुआ है कि नहीं। कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करें, तो कोई संख्या दोस्तों हमारे पास चार है, इसको हमने तीन बार गुणा किया और तीन बार गुणा करने पर हमें चार ही प्राप्त हो रहा है, तो कह रहा है तीन बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो जो मैंने तीन बार गुणा किया वही संख्या प्राप्त हो गई हो जाए, तो उसे उस संख्या का, तो उसे उस संख्या का मतलब चार का क्या कहते हैं, क्या क्या कहेंगे, घनमूल, मतलब तो उसे उस संख्या का घनमूल कहते हैं, यानी जो ये अंदर की संख्या लिखी, कौन सी लिखी, चार गुणे चार गुणे चार, चार चुको सोलह चुको चौंसठ, तो उसे क्या जो संख्या लिखी उसे उसे उस संख्या का घनमूल कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो क्या, क्या कह रहे हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल, यानी कि जो 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 संख्या प्राप्त हो, कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से तीन बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, समझते रहिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो चार की जब मल्टीप्लाई चार से किया तो चार ही प्राप्त हुआ, तो कह रहा तो उसे उस संख्या का, कौन सी संख्या, चौंसठ, उस संख्या का क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए एक एग्जाम्पल और समझिएगा, जैसे दोस्तों आपसे कह दे दस कह लें, दस का एक हजार कर लीजिए, एक हजार का घनमूल, तो दोस्तों क्या इसका मतलब क्या, क्यूब रूट एक हजार। अब इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट एक हजार का मतलब इसका भी मतलब समझिए, यानी क्यूब रूट कितनी बार, दस गुणे दस, भाई एक हजार कब हमें प्राप्त होगा, तीन बार लिखना है, तो दस गुणे दस तीन बार लिखेंगे तो एक बार एक हजार प्राप्त होगा, अच्छा इसलिए कितना आएगा हमारे बाहर, दस आ जाएगा। अच्छा ये सब कुछ आप
चैप्टर पहले करनी में चैप्टर पहले में आपने सीखा है कैसे सब निकल के आता है क्यूब रूट स्क्वायर रूट सीखा कि नहीं सीखा। जैसे क्या है 64 है ध्यान से समझिए 64 का हमें क्यूब रूट चाहिए क्या 64 का हमें क्यूब रूट चाहिए। जब 64 का हमें क्यूब रूट चाहिए तो क्या मैंने बताया क्यूब रूट 64 64 को 204 की पावर 3 ले सकते हैं। आपको मैंने पहले से सिखा रखा है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ क्यूब रूट लगाओ जब उसको हटाएंगे 204 की पावर 3 इसको जब हटाएंगे कितना 1/3 हो जाएगा 3 × 3 × 3 कितना 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 मतलब 4 है। ये सॉल्व करने का तरीका होता है ठीक है पर यह आप पहले से सीख चुके हैं इसलिए मैंने ये समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप घनमूल भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे पूर्ण घन संख्याएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए हो गया। अब ध्यान समझिए रेडी डाल लीजिए पूर्ण घन संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ध्यान समझिएगा ये क्या होता है देखिएगा वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका मतलब समझिए कह रहा वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका घनमूल हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए। इसे उदाहरण समझिएगा उदाहरण बहुत ध्यान समझिए जैसे दोस्तों पहला उदाहरण दोस्तों आपसे कहता है जैसे कह रहा वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण घन संख्या दोस्तों कहते हैं। जैसे लेने 216 तो 216 का घनमूल 216 का दोस्तों हम घनमूल निकालें कह रहा वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती तो 216 का घनमूल निकालें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी तो दोस्तों क्या होगा हमारा पूर्ण घन संख्या होगी। तो देखिए क्यूब रूट निकाले कि 216 हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है क्यूब रूट 216 मतलब कितना 6 × 6 × 6 = 36 होता है यानी कितना बाहर आएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए क्या 216 का घनमूल निकाला हमें एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त हो रहा है 216 का घनमूल मैंने निकाला एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त हो रहा है एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों हमें क्या होगा वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। मतलब आप उसका घनमूल निकालें क्या घनमूल निकालने पर यदि आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी तो दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। समझ रहे हैं चलिए नोट कर लीजिए एक एग्जांपल और ले लें। चलिए जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें 729 का घनमूल दोस्तों आपसे कह रहे 729 का घनमूल तो दोस्तों 729 का घनमूल दोस्तों जब आप भी आपसे कहेगा तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे क्यूब रूट 729 ठीक है। इसका भी मतलब कि 729 का घनमूल यदि जो मैंने यहाँ पर शब्दों में लिखा 729 का घनमूल ये भी इसको भी पढ़ेंगे 729 का घनमूल और थोड़ा स्टैंडर्ड बोलना चाहें तो क्या क्यूब रूट 729 ठीक है। आप ध्यान समझ गए ये दोस्तों इसका मतलब कितना होगा 729 है ना तो इसको लिख सकते हैं क्या 9 × 9 × 9 समझ गए 9 × 9 × 9 तीन बार लिखेंगे क्यूब रूट तो क्यूब रूट यहां लगा लेंगे तो दोस्तों में कितना प्राप्त हो जाएगा 9 बार आ जाएगा
समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों, एक इसमें नोट लिखिएगा, नोट से दोस्तों प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो नोट कर लिया, फिर नोट देखिएगा। पहला, सबसे छोटी, पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण घन, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या दोस्तों जो है वह एक होती, एक होती। क्यों दोस्तों आपको पता है? होती है, एक का घनमूल निकालोगे तो एक ही तो आएगा, तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या एक होती है। दूसरा दोस्तों निकालिए, दूसरा लिख लीजिए पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट, दूसरा भी मैं लिखवा दे रहा हूं। 1000 तक की, 1000 तक की पूर्ण घन पूर्ण घन संख्याएं, क्या 1000 तक, क्या कह रहा है? एक सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या एक होता है, और 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन कौन सी होती है, ध्यान समझिएगा। 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों आपको पता सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, उसका तो शामिल करेंगे, सबसे छोटी एक लिखा, एक हो गया प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों आपका कितना होगा? एक हो गया। एक के बाद उस ध्यान से देखिएगा, दो का क्यूब कितना होता है? 8 हो गया। तीन का क्यूब दोस्तों, 3 होते 27 हो गया, और फिर 4 का 64 हो गया, फिर 5 का 125 हो गया, 6 का 216, फिर 343 7 का, 8 का 512, और 8 के बाद 9 आएगा, 9 का दोस्तों तो अभी मैंने निकलवाया 729, और उसके बाद दोस्तों 1000। ठीक है, तो 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000 होती हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये हमारे दो नोट पॉइंट हो गए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए एक प्रश्न लेता हूं घनमूल वाला, चलिए एक प्रश्न लेता हूं, इसको रख करो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिए प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, अभी तक दोस्तों मैंने टोटल आपको 22 प्रश्न कराए हैं। कितने प्रश्न कराए हैं? 22, यानी कि दोस्तों प्रश्न क्या कौन सी थी? 23। बहुत ध्यान समझे, कह रहा 8000 का घनमूल, का घनमूल ज्ञात कीजिए, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही भैया ध्यान से समझिएगा, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे, पर घनमूल निकालने का तरीका क्या वास्तविकता होता है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 8000 की बात कर रहा है दोस्तों, आप 8000 लिखिए इस तरीके से, और दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या 8000 लिखकर इसके दोस्तों हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो दोस्तों क्या निकालने हैं हमें? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 8000 के अभाज्य गुणनखंड, ये किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 0, 0, 0 होगा, फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 हो गया, फिर दोस्तों 2 से ही कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब दोस्तों किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, और फिर दोस्तों 5 से 5 25, 5 एकम 5 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, इससे तो खूब आप परिचित हैं। बहुत ध्यान से देखिए, 8000 के 200 अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 6, 206 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 छः बार हो गया, 5 203 बार है, तो 5 × 5 × 5। इसके नीचे दोस्तों आप लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। अब ध्यान समझिए, दोनों पक्षों पे घनमूल चढ़ा दीजिए। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, दोनों पक्षों पे घनमूल चढ़ाइए, यानी कि क्यूब रूट 8000। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बराबर ही क्यूब रूट दोस्तों कितना हो गया, 8000 हो गया, बराबर दोस्तों उसके बाद कितना है, क्यूब रूट। अच्छा, इसको दोस्तों और सॉल्व करना चाहें तो इसको क्या हम पावर में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यूब रूट कितना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये मैं अपने अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, पता चला सोच रहे सर ये कहाँ से इतनी जल्दी दिया था, ये नीचे मैं निकाल चुका हूँ। अब आपको पता, जब क्यूब रूट होगा, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, क्यूब रूट की बात कर रहा है, ये क्या लिखा दोस्तों, 3 लिखा है यहाँ पर, इसकी बात कर रहा है, क्यूब रूट की बात कर रहा, तो यानी दोस्तों देखिए 3 का पेयर है, यहाँ पर और यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, और जब भी मैंने स्क्वायर रूट सिखाया था तो उसमें 2 का पेयर, तो देखिए 3 में से दोस्तों क्या, एक बाहर आएगा, यहाँ से एक बाहर आएगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि क्यूब रूट 8000, यानी दोस्तों जब क्यूब रूट कितना आएगा, 8000 बराबर दोस्तों 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम घनमूल निकालते हैं, ठीक है, आप गुणनखंड विधि से इस तरीके से घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए दोस्तों फटाफट, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 24 नंबर, कह रहा है 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्या 2744 का हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, यदि आप सोच रहे हैं सर इसमें आपने भाषा नहीं लिखी, तो यदि भाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, पहली बात तो आप यहीं अथा करके लिख लीजिए अथा, क्योंकि आपको पता मैं भाषा भी लिखवाता हूँ कि नहीं लिखवाता हूँ, कैसे लिखना आप प्रश्न अथा करके लिख दीजिए, भी इतना सही है, आपको नंबर मिलेंगे। यदि ये आप सोचते कि नहीं इसको हम भाषा में ही सर लिखेंगे, तो लिखेंगे लिख सकते हैं अतः 8000 का घनमूल बराबर 20। इस तरीके से यदि भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अतः 8000 का घनमूल बराबर 20। इस तरीके से आप भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि इतना भी लिख के छोड़ दें तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी मित्रों को अच्छे से समझा दिया कि घन, घनमूल और क्या पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं, आपने अच्छे से जान लिया, और मैंने आपको क्या घनमूल निकालने का ही तरीका भी सिखाया है। कल की क्लास में दोस्तों घन और घनमूल से संबंधित प्रश्न कल की क्लास में आपको कराएंगे, तो कल की क्लास दोस्तों बहुत बेहतरीन रहने वाली है। आपने जो जाना घन, घनमूल, पूर्ण घन संख्याएं, उसके बाद एक प्रश्न भी लगा लिया, तो थोड़ा झलक तो आपको प्रश्न के देखने की मिल गई। कल दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो कल के लेक्चर में ही आप जान पाएंगे, और बहुत बेहतरीन प्रश्न कल के लेक्चर में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से दोस्तों आज का सेशन देखिए, और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ईमानदारी से आप सभी मित्र क्या ये तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी भी बेहतर होगी, आपका पेपर भी बेहतर होगा, आपका क्या रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो इसीलिए जितनी ईमानदारी दिखाएंगे, जितनी ज़्यादा गणित में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों आप सीख पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जितने मित्र हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं वो ईमानदारी के साथ सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर जो नए मित्र हैं वो भी बहुत ध्यान से सुन लें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें
करेंगे उतना ज़्यादा सीख पाएंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको गणित में दिक्कत नहीं होने वाली है, आप गणित को बिल्कुल आसान, जैसे जो सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट होए उस तरीके से यदि आप समझने लगेंगे वैसा ही समझेंगे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बिल्कुल जीरो सिखाता हूँ, एक एक स्टेप भी सिखाता हूँ, कहीं पर जोड़ने घटाने की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, अभी भी आपको सिखा देता हूँ कहाँ पर से क्या हुआ, हर स्टेप के बारे में चर्चा करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इतना आसान स्टेप में बताऊंगा जिन्हें आता हूँ कहेंगे सर क्या सिखा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जिसको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक को क्या सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आना चाहिए, आप क्या भावी शिक्षक हैं, और भावी शिक्षक हैं इसलिए आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना आपके सारे आगे भारत का भविष्य क्या उजागर होगा, क्योंकि आप ही क्या न्यू डालने वाले हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाएंगे पढ़ाएंगे वही जाके तो क्या आगे भारत को संभालने वाले हैं, है कि नहीं। इसलिए आप सभी मित्रों को क्या नॉलेज भरपूर होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, और अच्छे से आपको क्या सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अपने हिस्सा से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। शेयर करने में कोई भी कंजूसी कतई मत करिए, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सीखने में और आपको सिखाने में आनंद आएगा, है कि नहीं भाई। मुझे सीखने में आएगा, आप उस मुझे तो सिखाने में आनंद आएगा और आपको क्या आएगा सीखने में आनंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहे। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।